कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। तो हम आज लेकर आए हैं जीरा राइस। इसके लिए हम 1.5 गिलास चावल ले लेंगे। हम घर के चावलों से बना रहे हैं। तो आप चाहे तो बासमती या कोलम कोई भी ले सकते हैं, पर हम घर के चावल से बना रहे हैं। और इसे भिगा देंगे हम धुलकर। दो पानी से वाश कर लेना है, उसके बाद भिगा देना है। देख सकते हैं हमने भिगा दिया है 2 मिनट के लिए। और हम चलिए इसे पतीला ले लेते हैं और इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, बस आधा चम्मच के करीब ही डालना है बड़े वाले चम्मच से। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे। याद रहे सिर्फ जीरा ही डालना है, बाकी कुछ इसमें ऐड नहीं करना है जीरा राइस में। और हम जो भिगा कर चावल रखे थे उसे पानी अच्छे से निकाल देना है चावल का, और फिर इसमें ऐड कर देना है पतीले में। चम्मच से हिलाकर अच्छे से भुनेंगे चावल को भी। जब तक भुनेंगे तब तक अच्छा टेस्ट नहीं आता है, जब तक नहीं भुनते हैं चावल को। तो जीरा के साथ अच्छे से भुने और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस हमें 2.5 गिलास ही डालना है। छोटा गिलास है तो 2.5 गिलास ही डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने चावल को भिगा के रखा था इसलिए। और इसमें नमक ऐड करेंगे बस, बाकी कुछ नहीं डालना है। बहुत लोग बताते हैं ना कि मतलब ये डालो वो डालो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ईजी और सिंपल तरीका है। रेसिपी पसंद आई हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तो देख सकते हैं हमारे चावल पक रहे हैं और अच्छे से पक रहे हैं, देख सकते हैं। जीरा राइस तो सभी को बहुत पसंद होता है, पर बनाने के लिए किसी को नहीं आता है उतना। तो कोई भी ट्राई कर सकता हमारी रेसिपी देखकर। बहुत ईजी और सिंपल से बनाया है हमने, बनाना बताया है। देख सकते हैं हमारे चावलों में बहुत कम पानी है अभी, और हमें बिल्कुल भी पानी चावलों में नहीं रखना है क्योंकि चावल जो रखेंगे तो इसकी वजह से चावल ना अच्छे नहीं बनते हैं, गीला टाइप हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी चावल में पानी नहीं रहना चाहिए। हमारे चावल में थोड़ा पानी और है, वो भी सुखा लेंगे हम। तो देख सकते हैं चावल का पानी सूख चुका है इस तरह से, और थोड़ा सुखाएंगे। देख सकते हैं हमारे चावल का पानी सूख चुका है अच्छे से, चावल में पानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसे ढककर 2 मिनट के पकाएंगे सिलो आंच पे ही। फास्ट गैस नहीं रखना है, बस सिलो ही कर देना है। जैसे चावलों को भाप देते हैं ना, उसी तरह 2 मिनट तक भाप देंगे अच्छे से। बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं, हम घर के चावल से बनाए हैं। हमने कोई भी चावल का बना कर खा सकते हैं। जीरा राइस बहुत ही सिंपल है ये रेसिपी, और ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। देख सकते हैं कितनी खिले खिले बने हैं हमारे जीरा राइस। हम ये आलू बटाना है तो इसके साथ हम सर्व करेंगे, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दे फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हमारे जो भी वीडियो आए वो आपको मिल जाए सबसे पहले।